खुसराव बिटिया, दिस इज जेबीएन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। प्रोग्राम इज बीएससी, बीएड, पीसीएम, फिफ्थ सेम, एंड कोर्स इज मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड वेक्टर डिफरेंशिएशन। सेशन इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन, और दिस इज ए प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू और हैविंग ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड लिमिट इज गिवन हियर, लिमिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू लॉग टू, लिमिट ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो टू एक्स, लिमिट ऑफ जेड जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई। सो हियर एंड फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। हियर इट इज़ वेरी क्लियर, लिमिट ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट, लिमिट ऑफ वाई जीरो टू एक्स एंड फंक्शन ऑफ एक्स, एंड लिमिट ऑफ जेड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शन इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, और अप्लाइंग लिमिट जेड इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस लॉग वाई, दिस इज द लिमिट फॉर अप्लाइंग हियर एंड अप्लाइंग दिस लिमिट और इंटीग्रेटिंग फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फंक्शन मे बी रिटन इन टू द फॉर्म ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इन टू ई टू द पावर जेड डी जेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इज क्रिएटेड एज कॉन्स्टेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड, एंड पुटिंग द अपर लिमिट ई टू द पावर एक्स एट द प्लेस ऑफ जेड इट विल बी एक्स प्लस लॉग वाई, एंड हेंस ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग वाई माइनस एट द प्लेस ऑफ जेड ई टू द पावर जीरो, और ई टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो फाइनल फंक्शन इज ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग वाई माइनस वन डी वाई डी एक्स। अगेन इट इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और आफ्टर इंटीग्रेशन यू गेट द फंक्शन वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वन। इट इज बिकॉज ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर लॉग वाई, और ई टू द पावर लॉग वाई इज नथिंग बट ई एंड लॉग इज द इनवर्स फंक्शन, सो कैंसिल आउट ओनली वाई इज रिमेनिंग। दिस फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग वाई मे बी रिटन एज ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर लॉग वाई, ई एंड लॉग इज कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग इज वाई, सो इट बिकम वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन, एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट इज विद रिस्पेक्ट टू वाई द फंक्शन आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ई टू द पावर टू एक्स इंटू वाई ई टू द पावर वाई डी वाई इन वन ब्रैकेट एंड डी एक्स आउट ऑफ ब्रैकेट, और लिमिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू टू एंड इट इज डिवाइडेड इंटू टू फंक्शन ई टू द पावर एक्स प्लस वाई वाई ई टू द पावर एक्स। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू गेट फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन वेन एवर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ वन, एंड इट बिकम ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और कैन बी रिटन एज ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। दिस इज इंटीग्रेटेड, और आफ्टर इंटीग्रेशन we get next step, or next step will be limit of x is equal to 0 to log 2 e to the power 2x y e to the power y minus e to the power y, upper limit and lower limit is 0 to x,
माइनस लिमिट ऑफ x इज 0 टू log 2 e टू द पावर x e टू द पावर y. सो इंटीग्रेटिंग e टू द पावर y ओनली, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y इज ओनली e टू द पावर y. सो इट विल e टू द पावर y लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट x. अगेन इंटीग्रेटिंग x इज इक्वल टू 0 टू log 2 e टू द पावर 2x x e to the power x minus e to the power x plus 1. It is because whenever x is y is replaced by the x, it become x e to the power x minus e to the power x. When ever 0 is replaced by it become only 1. It is because minus y at the place of y 0, y into ey will be 0, and minus minus plus or e to the power 0 is equal to 1. So function will be e to the power 2x x e to the power x minus e to the power x plus 1 dx. Minus again limit 0 to log 2 e to the power x e to the power x minus 1. It is because upper limit x at the place of y, it gives e to the power x. Minus upper limit, lower limit 0, and it become e to the power 0, or e to the power 0 is 1. So function is e to the power x e to the power x minus 1. Again the limit x is equal to 0 to log 2 x minus 1 e to the power 3x dx. It is because e to the power 2x multiplied with inside the bracket, and it gives this equation. Some term is cancel out, or after cancellation you find only two term which is in front of you. X is equal to 0 to log 2 x minus 1 e to the power 3x plus 0 to log 2 e to the power x dx. Again this is integrating with respect to x, we get e to the power 3x x minus 1 upon 3 minus 1 upon 9 0 to log 2 plus e to the power x 0 to log 2. This is integrating by part. Here e to the power 3x is multiplied with x, then it is x into e to the power 3x. So here there will be two function. In two function we have to apply the by part formula. First function differentiation of second, integration of second minus integration differentiation of first integration of second. After this applying by part we get the function e to the power 3x x minus 1 upon 3 minus 1 upon 9, or limit 0 to log 2 plus e to the power x limit 0 to log 2. Again putting the limit log 2 at the place of x, we get e to the power 3 log 2 1 by 3 log 2 minus 1 minus 1 by 9 minus minus 1 by 3 minus 1 by 9 plus e to the power log 2 minus 1. Here e and log is inverse function, so e or log is vanish and only 2 is remaining. In this 3 goes to the log 2 power of 2. 3 को हम property के apply करके 2 की power पर ले जाएंगे, तो e और log cancel out हो जाएंगे और 2 की power 8 हो जाएगी. वो 8 1 by 3 log 2 minus 1 by 3 minus 1 by 9 plus 4 by 9 plus 2 minus 1. After the solving we get 8 by 3 log 2 minus 3 32 by 9 plus 13 upon 9 is equal to 8 by 3 log 2 minus 19 upon 9. This is the final solution of this problem. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. Thank you very much.